हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास फिजिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर होने वाली है और कल हम लोग सेशन बायोलॉजी का लेंगे, यानी कि आज अपना सेशन जो है वो फिजिक्स का है। फिजिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत जानदार क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे चाहूंगा दोस्तों, क्लास को जितना हो सके उतना दबाकर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सेशन के अंदर जोड़ दीजिए। सेशन डेली की तरह जानदार शानदार होगा। काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर आपका जो न्यूमेरिक अप्रोच है वो सॉलिड होगी। आप क्वेश्चंस को करने के लिए अपने आप को क्या कर पाओगे, प्रेरित कर पाओगे, और आगे आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो दोस्तों आप उनको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम दोस्तों सभी का। पंकज कुशवाहा कह रहे हैं राम राम, यशवंत कुमार कह रहे हैं राधे राधे सर, लेकिन बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चे क्लास का एंड होने का टाइम होता है तब पता नहीं टूट के कहाँ से पड़ जाते हैं, और स्टार्टिंग के अंदर भाई साहब सारे गायब। फिर कहेंगे सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। सुबह का अगर इवेंट डला हुआ है तो अब तक तो नोटिफिकेशन सबके पास चला जाएगा, ओके, किसी को दिक्कत ही नहीं है। भवानी सिंह जी कह रहे हैं हेलो सर। बिल्कुल भाई लोग, हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको बहुत बहुत राम राम, सबका बहुत बहुत स्वागत। और क्लास को करेंगे स्टार्ट, उससे पहले आपको बता देता हूँ बेटा, परीक्षा एप्लीकेशन पर कंप्लीट साइंस फाउंडेशन कोर्स पर 50% की, और इसके अलावा राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड, राजस्थान स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस AWOTPO और रीट के जो कोर्सेज हैं उन पर 40% डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट के बाद कंप्लीट साइंस फाउंडेशन कोर्स जो कि सब एग्जाम्स को टारगेट करते हुए कंप्लीट है, वो आपको ₹650 में 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। स्टेनोग्राफर कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम टाइम तक हम लोग दे रहे हैं, और रीट साथ ही साथ राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और AWOTPO एग्जाम की वैलिडिटी 6 मंथ की आपको मिलेगी, और ये कोर्सेज आपको 600 के अंदर मिलेंगे, ओके। तो परीक्षा एप्लीकेशन को विजिट करके और वहां से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, आप इनके बारे में जान सकते हैं। कोर्स में आपको PDFs, वीडियो लेक्चर्स, साथ में साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिलेंगे, ओके दोस्तों। चलिए तो वेलकम आप सभी का बच्चों, क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट, और पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है, बाकी बच्चे आते जाएंगे क्वेश्चन करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, फिजिक्स में आंख का वह भाग जो लेंस की समंजन क्षमता, लेंस की पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता दोस्तों, समंजन क्षमता होती है वस्तु के पास या दूर होने के हिसाब से अपने लेंस की जो मोटाई है, लेंस की जो विड्थ है, उसको एडजस्ट करना। लेंस अपने आप को मोटा और पतला करता है, कब करता है, जब वस्तु बहुत नजदीक या बहुत दूर चली जाए, यानी कि दूर या पास की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस की जो विड्थ है, लेंस की जो साइज एंड शेप है, उसमें चेंज होना, यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है लेंस की समंजन क्षमता, यह कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्लियर। ये किसकी वजह से होती है, आप जवाब देंगे दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास प्यूपिल पुतली, दूसरा है दोस्तों सिलियरी मसल पक्षमाभि पेशियां, तीसरा है आपका आयरिस, चौथा होता है कॉर्निया, क्लियर। जवाब दीजिएगा और क्लास को दबाकर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, बच्चे ज्यादा से ज्यादा मुझे सेशन में चाहिए। अभी तो ना के बराबर हैं लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है रोज आ जाते हैं बच्चे धीरे धीरे करके। तो देखिए भाई दोस्तों, आयरिस की बात की जाए तो आयरिस को बच्चों आंख का तारा कहते हैं, आंख का तारा, क्लियर, ओके। और आयरिस को परितारिका कहते हैं, और याद रखिएगा दोस्तों आयरिस जो होता है ये आंख के रंग को डिफाइन करता है, हमारी आंखें भूरी होंगी, नीली आंखें होंगी, ओके, क्लियर। तो ये जो आयरिस है ये तय करता है। कॉर्निया आपको पता है दोस्तों, कॉर्निया नेत्रदान के समय काम में लिया जाता है, जब हम नेत्रदान करते हैं तो पूरा कॉर्निया विद लेंस आप दान करते हो, कॉर्निया भी जाता है साथ में लेंस भी जाता है, ओके। सिलियरी मसल्स दोस्तों आपका आंसर है, इनको हिंदी में पक्षमाभि पेशियां कहते हैं। पक्षमाभि पेशियां क्या करती है, ये आपका लेंस है, क्लियर, ये आपका लेंस है, पक्षमाभि पेशियां इसके ऊपर और इसके नीचे अटैच होती हैं, क्लियर। तो जब लेंस को मोटा पतला करना हो तो कभी ये ऐसे ऐसे कभी ये ऐसे दब जाती हैं, कभी खिंच जाती है। अगर ये दबेंगी तो बताओ लेंस मोटा हो जाएगा, ये खिंचेंगी तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्लियर। तो ये पक्षमाभि मसल है जो आपकी आंख में दोनों तरफ पाई जाती है, और ये पक्षमाभि पेशियां लेंस को पतला या मोटा करती है। अगर पुतली की बात करते हो तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का काम पुतली और आयरिस का होता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि अगर तेज प्रकाश हो, तेज प्रकाश
तो तेज प्रकाश में दोस्तों पुतलियां क्या हो जाती है, तेज प्रकाश के अंदर पुतलियां फैल जाती है, तेज प्रकाश के अंदर प्यूपिल आपका एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। और अगर दोस्तों कम प्रकाश हो, कम प्रकाश हो या अंधेरा हो तो पुतलियां फैल जाती हैं, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो याद रखिएगा इतने सारी चीजें आपको एक क्वेश्चन में मैंने प्रोवाइड करवाई है। क्या प्रोवाइड करवाया देख लीजिए, क्या प्रोवाइड करवाया मैंने, सबसे पहले बताया है आपको कि आंख का रंग परितारिका या आयरिस डिफाइन करता है। उत्तर आपका सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल आपका उत्तर है, नेत्र की मोटाई, नेत्र लेंस की मोटाई चौड़ाई में वृद्धि करती हैं, कमी करती हैं। प्यूपिल तेज प्रकाश के अंदर क्या हो जाता है, पुतलियां फैल जाती हैं, और कम प्रकाश के अंदर पुतलियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, क्लियर। जब भी आप आई डोनेशन करते हो तो पूरा नेत्र दान के समय कॉर्निया दान किया जाता है। बोलो बात समझ में आ गई। मिथिलेश कुमार कह रहे हैं बायो का होगा, बेटा हाँ बोला मैंने यही था, लेकिन बायोलॉजी का इवेंट नहीं डलवाया, इवेंट हमारा फिजिक्स का था, सुबह ही डाल दिया था, क्योंकि दो दो क्लासेस होती हैं, दो केमिस्ट्री दो फिजिक्स, तो फिजिक्स की कल एक ही क्लास हुई थी, फिजिक्स की आज दूसरी क्लास है, अब बायोलॉजी के सेशंस होंगे, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर मैं बच्चों आपको प्रोवाइड करा देता हूं हमारे, तो हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 8600987 8622। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी कोर्स के बारे में आप कोई भी जानकारी जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक, चलिए क्लियर। तो दोस्तों तेज प्रकाश में पुतलियां क्या हो जाती थी, सिकुड़ जाती थी, धीमे प्रकाश में पुतलियां फैल जाती हैं, ओके ये पढ़ा हमने। अब सिंपल सी बात है, एकदम तेज लाइट होती है, आप घर से बाहर निकले एकदम तेज रोशनी है तो आपकी आंखें ऐसे 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 मिट जाएंगी, ऐसे ऐसे करोगे ऐसे, ठीक है। और अगर अंधेरा होता है तो आप ऐसे खोल खोल के देखते हो, समझ गए बात को, सिंपल सा लॉजिक है, ओके। अगला क्वेश्चन अपना करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक व्यक्ति के चश्मे में दोस्तों दो लेंस है, एक व्यक्ति के चश्मे में कितने लेंस है, दो लेंस है, उसको कौन सा दृष्टि दोष होगा। एक व्यक्ति का चश्मा है भैया, ये मान लीजिए बनाया चश्मा आपने, और इस व्यक्ति के चश्मे में कितने लेंस है बताओ, दो लेंस है, आजकल मोटे चश्मों का चल रहा है, क्लियर। एक लेंस भैया ऊपर है ऐसे, ओके, और एक लेंस भैया किधर लग रहा है, नीचे, दो लेंस है, बताइए कौन सा दोष होगा इस व्यक्ति के चश्मे में। चश्मे में तो दोष क्या होगा, दोस्तों आंखों में होगा, लेकिन कौन सा होगा, क्लियर। शुभम जायसवाल, आयरिस का पहला काम है आंखों के कलर को डिफाइन करना, दूसरा काम है आयरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले मात्रा, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का पहला कंट्रोल आयरिस के पास होता है और सेकंड कंट्रोल प्यूपिल के पास होता है, सेकंड कंट्रोल पुतलियों के पास होता है, पहले आयरिस नियंत्रित करता है फिर पुतलियां नियंत्रित करती है। साथ ही साथ दोस्तों आयरिस जो होता है कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करता है, कैमरे में पहुंचने वाली लाइट को कंट्रोल करता है डायफ्राम, इसी तरह आयरिस हमारी आंख में डायफ्राम की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों देखिए ऊपर का जो लेंस है, ऊपर कौन सा लेंस लगता है दोस्तों, ऊपर लगता है आपका अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस कहां लगता है, अवतल, कॉनकेव, कॉनकेव माइनस में, क्लियर। अवतल कौन से दृष्टि दोष के लिए होता है, निकट दृष्टि दोष के लिए, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों, मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु क्या नहीं दिखती, क्लियर नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु अस्पष्ट, आपको दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी, क्लियर। और दूर की वस्तु देखनी है तो चश्मे में किधर लगना चाहिए, लेंस ऊपर, क्लियर। इधर नीचे के लिए दोस्तों उत्तल, नीचे कौन सा लगता है, उत्तल लगता है, कॉन्वेक्स लगता है, और कॉन्वेक्स प्लस लेंस होते हैं जिनकी पावर प्लस में होती है, और ये दूरदृष्टि दोष के लिए लगाया जाता है, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष आपका क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के लिए आप दूरदृष्टि दोष के लिए लगाते हैं। और दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखती है, और निकट की वस्तु को देखना है तो चश्मे में नीचे से देखते हैं ना भाई, निकट की वस्तु देखनी है तो आप ऐसे नीचे से देखोगे, दूर की वस्तु देखनी है ऐसे ऊपर से देखोगे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अब कोई व्यक्ति है जिसके लेंस में दोनों ही है, मतलब इसके निकट दृष्टि दोष भी है दूरदृष्टि दोष भी है, तो इसको क्या बोल देंगे दोस्तों, जरा दृष्टि दोष, इसको क्या बोल देंगे, प्रेस बायोपिया। तो एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस की आपको जानकारी दे दी मैंने भाई, क्लियर। जरा दृष्टि दोष में कितने लेंस काम में होते हैं, दो लेंस, बाईफोकल लेंस, और बाईफोकल लेंस किस में होते हैं बच्चों, प्रेस बायोपिया में होते हैं। तो ये आपका बन गया आंसर, क्लियर, ये आपका हो गया क्या आंसर, प्रेस बायोपिया, ओके क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। अगला है दोस्तों एस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म को दोस्तों अबिंदुकता, अबिंदुकता, या इसी को दोस्तों, इसी को दृष्टि वैषम्य कहते हैं, दृष्टि वैषम्य,
एस्टिगमेटिज्म को। दृष्टि वैषम्य में क्या होता है दोस्तों, जो खड़ी रेखाएं होती हैं और जो तिरछी रेखाएं होती हैं, यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है जो क्षैतिज रेखाएं उनमें अंतर पता नहीं चलता। तो इसका जो इलाज है वो कौन से लेंस से किया जाता है बच्चों, बेलनाकार लेंस से, सिलेंड्रिकल लेंस काम में लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अबिंदुकता, अबिंदुकता बोला जाता है एस्टिगमेटिज्म को, और एस्टिगमेटिज्म को दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं, जिसमें खड़ी आड़ी रेखाओं में आपको अंतर पता नहीं चलता। और अंतर पता नहीं चलता तो दोस्तों ऐसे केस में आप क्या काम में लेते हैं, ऐसे केस में आप लोग सिलेंड्रिकल लेंसेज, बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। मिथिलेश कुमार, आप कह रहे हैं सर ऑप्शन हिंदी में दीजिए, ये पूछे जाते हैं मायोपिया निकट दृष्टि दोष, ये पूछे जाते हैं आपसे, और एग्जाम में मायोपिया लिखेगा और बगल में ऐसे लिख देगा मायोपिया, है ना। अब लो हिंदी में भी आ गया है, लीजिए ऐसे लिखते हैं, इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश पे पकड़ रखो। इंग्लिश में वो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में मायोपिया, इसको लिख देगा हाइपरमेट्रोपिया। आपको पता होना चाहिए हाइपरमेट्रोपिया किसके लिए काम में लिया जाता है, ओके, तो ये ध्यान रखो। चलिए, तो हुआ भाई यहां तक, एबिंदुकता समझा दिया, ये समझा दिया, ये लो ये रहा क्लियर क्या है। जब व्यक्ति को खड़ी और तिरछी रेखाओं में, जब व्यक्ति को हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन में अंतर पता नहीं चलता, ठीक है। चलिए, विशाल कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनटीपीसी में साइंस के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, करंट भी पुरानी आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने को तो पढ़ना है ना, अपने को तो पढ़ना है, क्या पता अपने पेपर में ज्यादा आ जाए, नहीं आ रही है तो छोड़ दो पढ़ना, अगर आपको लगता है कि आपके भी नहीं आएगी तो मत पढ़ो भाई, और तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं तो देखो इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि मेरे में तो ये नहीं आएगा, मैं तो इस पे बिलीव करता हूं कि पढ़ूंगा पूरा, जो आएगा वो फोड़ दूंगा, समझ गए, मैं इस पे बिलीव करता हूं, ओके। अपवर्तन की घटना में दोस्तों, अपवर्तन की बात कर रहा है बंदा, बात कर रहा है बच्चों रिफ्रैक्शन की। तो अपवर्तन की घटना में बात कर रहा है, एक माध्यम से प्रकाश किरण आई दोस्तों, आपतन कोण कितना है 45 डिग्री है, क्लियर, आपतन कोण कितना है और अपवर्तन कोण कितना है दोस्तों 30 डिग्री है, क्लियर। तो इससे कितने क्वेश्चन कंफर्म हो जाते हैं, देखो इससे कंफर्म हो जाता है कि ऊपर वाला माध्यम दोस्तों विरल था, इससे कंफर्म हो जाता है कि ऊपर वाला माध्यम कौन सा था, विरल था, क्योंकि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है ना, तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां जा रही है दोस्तों, सघन माध्यम में जा रही है, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है, क्लियर, समझ गए बात को। देखिए भाई, जानी किधर चाहिए थी 45 पे, लेकिन ये झुक गई, झुक गई मतलब माध्यम कैसा आ गया, सघन आ गया। अब अपवर्तनांक, तो बेटा अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे निकालते हैं। स्नेल का नियम आपने समझा होगा, स्नेल का नियम आपने सुना होगा, और स्नेल का नियम क्या रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर। आई क्या बताइए 45 डिग्री, और आर क्या बोलो 30 डिग्री, आई की वैल्यू निकालो भाई, साइन आई बताओ 45 डिग्री की वैल्यू होती है, बोलो 1/√2, क्या सही है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, गलत हो गया क्या, साइन 45 की वैल्यू बताना जरा, साइन 45 0 1/4 2/4 2/4 का किया 1/2, बिल्कुल सही है 1/√2, और साइन आर, साइन आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है मतलब आर का मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, सही है। अब 1/2 जाएगा ऊपर, ओके 2/1 इंटू 1/√2, तो उत्तर क्या आने वाला है दोस्तों आपका, √2, क्या आएगा दोस्तों, √2, ऑप्शन में नहीं है, उत्तर √2 आएगा ना, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम लोग ई करके ऐसे √2 लिख लेते हैं, ओके, तो √2 आपका आंसर है। हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ रूट हो, लेकिन वो जब पीपीटीज वगैरह बनाते हैं ना तो रूट गायब हो जाता है, क्योंकि रूट ये क्या सिग्नल्स में आता है ना, वो सिंबल्स में, तो कई बार गायब हो जाते हैं, तो अपन लोग √2 अलग से लिख लेते हैं, है ना। 1/2 कैसे आएगा, साइन 45 1/2 होता है, नहीं यार, नहीं भाई ऐसे तो नहीं होता यार, है ऐसे कैसे होगा यार, साइन 45 नहीं, साइन 45 1/√2 होता है, ओके। विकास कुमार कोरी, अरे यार मुझे ये बात पच नहीं रही है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, फिर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी बताना जरा, फिर अगर 45 की वैल्यू 1/2 है तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कोई मुझे ये भी बता दो, हैं? चलो मैं साइन कोस 30 की वैल्यू निकालना बता देता हूं आपको, है ना, इस क्वेश्चन को यहीं पर रहने दो, ओके। हम करते हैं ये वाला, है ना, तो देखिए ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भाई, वन सेकेंड,
वन सेकंड निकालते हैं पहले, वो गलती से मुझसे क्वेश्चन ही उठ गया अपना, है ना, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन अपना चल रहा था ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन यही चल रहा था ना। चलिए अब अपन क्या करते हैं, अब अपन करते हैं साथ में मैजिक बोर्ड लेते हैं। देखिए हम कैसे याद करते हैं वैल्यूज को, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना, क्लियर, हम ऐसे करते हैं, चलो सीख ही लेते हैं आज। ओके तो 0 डिग्री पर हम ऐसे लिखते हैं, 0 बट्टा, सब में 4 का भाग लगाते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और सबके अंदर 4 का भाग लगाते हैं, ठीक है, 4 का क्या लगा देंगे, भाग, क्लियर। तो ये आपके वैल्यू आती है किसकी दोस्तों, साइन की, और फिर इसका रूट निकालते हैं, ये साइन की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं हम। ओके क्लियर, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा में 0 डिग्री की क्या आने वाली है, 0, बताओ 1/4 का रूट 1/2, ठीक है, अच्छा ये 1/2 कट गया तो ये क्या बचा दोस्तों, 1/√2, यहां हो गया दोस्तों √3/2 और यहां हो गया दोस्तों 1, ये किसकी वैल्यू है, साइन की है। कॉस की वैल्यू निकालनी है तो उधर से लिखना चालू करो, 1 इधर उल्टा करो √3/2, ठीक है, इधर लिखो 1/√2, इधर से लिखना चालू करो उल्टा, ये 1/2 इधर जाएगा, ये गया और ये 0, क्लियर। तो साइन और कॉस की वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बता दिया मैंने, ओके है ना। शुभम जायसवाल कह रहे हैं यही तो प्रॉब्लम है लाइव में, क्या दिक्कत आ गई लाइव में, बोलो, है ना, मैं रटने का सिस्टम ही नहीं बता रहा, मैं आपको पूरा समझा दिया, देखो क्या करना है आपको, आपको करना ही यही है कि आप क्या करिए, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, नीचे 4 का भाग लगा कर रूट ले डालिए, साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन की वैल्यू आते ही कॉस की के लिए उसको उल्टा कर दो, ठीक है, कॉस के लिए उसको क्या कर दीजिए आप, उल्टा कर दीजिए। अभी टेन कॉट वो भी निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्लियर, बोलो समझ में आ गई बात, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा सकता हूं मैं, आती है मुझे मैथमेटिक्स अच्छे से, साइंस से बहुत पहले मैथमेटिक्स पढ़ाने का सोच रहा था लेकिन फिर लगा कि साइंस अपना सब्जेक्ट है तो साइंस ही पढ़ाते हैं। ओके चलिए, ओके चलिए यहां तक क्लियर हुई, तो ये क्वेश्चन अपना सही था भाई, क्वेश्चन अपना सही था। अब अपन चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पर, ठीक है, तो उत्तर √2 आ गया इसका, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है बच्चों ये रहा, इसको करिए, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, हाँ देखो रूट हट गया, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक √3 है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है √3, उसके लिए ध्रुवण कोण का मान क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है, इफ अ मीडियम हैज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स √3, क्लियर, ये क्वेश्चन में से गायब है, अब समझ में आया पिछले क्वेश्चन में रूट वाला गायब क्यों हो गया था, क्योंकि रूट वाली वैल्यूज गायब हो जाती है पीपीटी में, कुछ टेक्निकल मिस्टेक है। ओके मोहित खांबा, क्लास का टाइम 6:30 to 7:30 होता है भाई, ओके तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका √3 है तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अगर किसी को याद हो तो दोस्तों मैंने ध्रुवण की जब घटना पढ़ाई थी आपको बच्चों, जब मैंने पोलराइजेशन पढ़ाया था तो पोलराइजेशन के अंदर मैंने आपको समझाया था दोस्तों ब्रूस्टर का नियम, याद है किसी को ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम था दोस्तों म्यू बराबर टेन आईपी, ओके तो म्यू आपका √3 है और दोस्तों टेन आईपी पूछ रहा है, तो बताइए टेन आईपी, आईपी है दोस्तों ध्रुवण कोण, क्लियर, बताइए मुझे जरा, मुझे बताइए कि टेन थीटा के अंदर किसकी वैल्यू √3 होती है दोस्तों, टेन सिक्सटी की वैल्यू आपके पास क्या आती है √3 आती है, 1060 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों √3 आने वाली है। शिवराज सैनी कह रहे हैं एनटीपीसी में साइंस के 6 क्वेश्चन आए, बताओ ये कि उनमें से तुमने कितने किए, मुद्दा ये है कि कितने किए। ओके ब्रूस्टर नियम पढ़ाया मैंने क्लास में बच्चों, ओके तो ब्रूस्टर नियम से जब आप इसे सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ओके ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चंस की लिस्ट में मैं इसे हमेशा मानता हूं। किसी लेंस को पानी में डुबो गया तो वो लेंस उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है, और कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोया गया तो दोस्तों अवतल लेंस की तरह कार्य कर रहा है, इस लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा, ऑप्शन में 1.33, 1.64, 1.33 to 1.64 के बीच और 1.64 से ज्यादा, जवाब दीजिए, क्लियर, क्वेश्चन आपका पूछा गया, बिल्कुल ये क्लास बच्चों डेली होती है और क्लास को शेयर कीजिए, लाइव काउंट सॉलिड होना चाहिए। ओके चलिए
अभिषेक शर्मा, नोड वाला क्वेश्चन, कौन सा नोड मेरे भाई? एनओडी नोड वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं बताया, कौन सा नोड? मैं तो आज ही सुन रहा हूं नोड एनओडी, दिमाग में ही नहीं है बिल्कुल। रिपीट कर दो क्वेश्चन क्या था। तो देखो भाई, किसी लेंस को पानी में डुबोते हो आप, देखिए एक चीज समझिए, पानी, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, क्लियर, और कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.64 है। अच्छा, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी लेंस को कम अपवर्तनांक, कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के द्रव में अगर डुबोते हैं तो उसकी फोकल लेंथ, उसकी नेचर, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और लेंस की क्षमता घट जाती है, लेकिन लेंस की नेचर में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब उसे ज्यादा ज्यादा अपवर्तनांक के द्रव में डुबोते हैं तो दोस्तों उसकी नेचर क्या हो जाती है? बदल जाती है, यानी उत्तल अवतल की तरह हो जाता है, अवतल उत्तल की तरह हो जाता है। अब सोचिए, क्लियर, आपसे पूछा गया है कोई लेंस है जो पानी में डुबोया है तो दोस्तों उत्तल है, क्लियर, और जैसे ही इसमें डुबोया तो अवतल है। इसका मतलब दोस्तों सिंपल यही है कि वो लेंस रियल में क्या था? उत्तल था, क्लियर। जब कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया तो दोस्तों उत्तल उत्तल ही रहता है, लेकिन जब ज्यादा अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया तो उत्तल क्या हो जाता है? अवतल। इसका मतलब है कि ये जो लेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसका जो अपवर्तनांक है वो इन दोनों के बीच में है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों सी, क्लियर। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई, ओके okay, तो ये मैंने अच्छे से समझाया था, पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33, CH2 का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.64, ओके okay, ये जो आपका बनेगा कॉन्वेक्स बनेगा और ये आपका बनेगा कॉनकेव। लेकिन ये कब हुआ? जब आप कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डुबोते हो, किसी लेंस को कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के एक उसमें डुबोते हो और ज्यादा के में डुबोते हो। मैंने आपको एक केसेस पढ़ाए हैं, अगर समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया तो जो लेंस है वो समतल कांच की प्लेट की तरह कार्य करेगा। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, दो आवेशों के मध्य की दूरी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हैं जो कंसेप्ट पे होंगे आपके एग्जैक्ट। ओके, क्वेश्चन है आपका, दो चार्जेस के बीच की दूरी बच्चों आपने आधी कर दी। ओके, दो आवेश है भाई Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी थी R, आपने इस R को क्या कर दिया बच्चों? आधा कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, इनके बीच में जो F इलेक्ट्रिक लग रहा था, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझाया है मैंने, अगर कुछ रूल्स कुछ नियम आपको याद हो तो आप बहुत प्यार से नहीं कर पाओगे। अंजला लैल कह रहे हैं, सर मेरे कोर्स की वैलिडिटी अवेलेबल करा दें प्लीज। वैलिडिटी अवेलेबल करा दें, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, वैलिडिटी बढ़ानी है? वैलिडिटी ऑलरेडी 9 मंथ दे रहे हैं अभी कोर्स की, बाकी हमने बीच में, अगर जिन बच्चों की 4-4 मंथ वैलिडिटी थी उनको वैलिडिटी बढ़वाने के ऑफर हमने दिए थे बहुत मिनिमम प्राइजेस के अंदर। अब आपने उस समय उन पर ध्यान नहीं दिया, एक एक बच्चे को मैसेज करवाया था हमने, आप ध्यान नहीं देते हो। ओके, आर कुमार कह रहे हैं, सर साइंस याद नहीं होता, कोई उपाय बताइए। ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो, दूसरी बात घूमते फिरते मजे मजे में याद करो, फिर तीसरी बात चीजों को ग्रुप बना बना के याद करो, जैसे मिश्र धातु है तो मिश्र धातुओं को एक जगह बैठ के क्लियर करो, दोस्तों से डिस्कस करो, है ना, आपस में खाना बनाते समय चार्ट लगा दो आगे, तो ग्रुप्स में बांट बांट के करो, है ना। चलिए, तो दोस्तों हमारे पास कूलाम का एक नियम पढ़ा था दोस्तों, हमने कूलाम के नियम में कहा था दो आवेश Q1 Q2 अगर हो, इनके बीच की डिस्टेंस R हो, तो जो विद्युत बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो प्रोपोर्शनल होता है, और बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको याद हो तो ये भी बताया था दोस्ती दुश्मनी, बताओ इनके बीच में क्या है? दुश्मनी। दुश्मनी किस में चल रही है? स्क्वायर में। दुश्मन का भला तो हमारा नुकसान, दुश्मन का नुकसान हमारा भला, बताओ त्रिज्या को कितना किया? आधा। अब स्क्वायर में है तो आधे का स्क्वायर किया क्या हुआ दोस्तों? 1/4, और अगर 1/4 ये हुआ है तो ये कितने गुना होगा दोस्तों? 4 गुना। क्यों? क्योंकि इनकी क्या चल रही है? दुश्मनी चल रही है। तो आंसर क्या आने वाला है बच्चों? सी आने वाला है। प्रदीप कुमार कह रहे हैं, सर शेयर करना नहीं आता भाई, मैं शेयर करना तो कैसे सिखाऊं? ठीक है, क्लियर, जहां तक बात क्लियर हुई। चलिए, तो आई थिंक सो समझ पा रहे होंगे आप, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अगर आपने हाफ कर दिया तो उनके बीच आप इलेक्ट्रिक फोर्स, आप कूलाम का जो नियम है आपका, उससे आप पता कर सकते हैं। रिलेशंस के बारे में प्रोपोर्शनल, रिवर्स प्रोपोर्शनल, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, दोस्ती दुश्मनी, हर क्लास का फंडा है मेरा, हर क्लास में समझाता हूं ये सब चीजें। ओके चलिए, क्लियर है ना। एक बच्चा जो केवल किस लिए कमेंट करे जा रहा है,
कि मेरा नाम कोई ले दे, मुझे पता चल जाता है। तुम लोग समझते हो कि मास्टर है, बेवकूफ़ है ना, ये तो अपने जैसा ही लौंडा है छोटा सा, क्या क्या पता चलता है। 7 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन के अंदर, 17 साल की एज से पढ़ा रहा हूँ, समझ गए। तो अच्छे से पता होता है कि जिनके चेहरे देख के पता चल जाता है, आजकल कमेंट देख के पता चल जाता है कि कोई चाह क्या रहा है ना। तो नाम मैं नहीं लेने वाला बेटा, और अगर ज़्यादा बकवास की तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। लेने को मिले ना मिले, देना जरूर कुछ पड़ जाएगा। ओके चलिए, तो पढ़ाई पर ध्यान दे लो, क्वेश्चंस का आंसर दे लो और मजे से रहो। ओके क्वेश्चन है आपका, 800 कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन 800 कूलाम्स ऑफ चार्ज, और शेयर करो दबा के। ओके दबा के क्लास को शेयर कर दीजिए, 74 पर हम लोग लाइव चल रहे हैं, 100 की जल्दी से जल्दी उम्मीद है, और क्वेश्चंस तो ऐसे आने वाले हैं कि आपको मलाई लगेंगे क्वेश्चंस। चलिए ओके है ना, तो 800 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जवाब दीजिए। ऑप्शंस आपके सामने है, मैं भी आपके सामने हूं, पेन कॉपी भी आपके साथ में है, क्वेश्चंस को उड़ा डालो, हलाल कर डालो। ओके चलिए है ना, तो भैया जवाब दो, 800 कूलाम चार्ज को आपको इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में बदलना है। एक फॉर्मूला अगर याद हो तो आपको बताया था, एक फॉर्मूला आपको बताया था, कोई बताएगा वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था क्यू बराबर एन ई, देखो कितना सिंपल फॉर्मूला था, है ना। एक तरीका और बताया था, एक तरीका और बताया था, ऐसे क्वेश्चन में आंसर निकलना है तो क्या करेंगे, जिसको बदलना है बट्टा जिसमें बदलना है, जिसको बदलना है बट्टा जिसमें बदलना है, जिसको बदलना है बट्टा जिसमें बदलना है। बदलना किसको है, किसको बदलना है, आपको बदलना है दोस्तों 800 कूलाम को, किसमें बदलना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम में। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमको इलेक्ट्रॉन में बदलना है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। क्लियर, इसी तरह या फिर क्यू बराबर एन ही लगा दीजिए, क्यू कितना है 800, एन आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास ये रहा, सॉल्यूशन तो भैया उसी तरीके से होगा, 800 upon 1.6 × 10⁻¹⁹, इसको ऊपर लेके गए तो 10⁻¹⁹, ये रहा 8 और ये रहा 100, सही है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 10⁻¹⁹, ओके नीचे 1.6 है, 1.6 का भाग लगाया कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। ओके तो उत्तर क्या हो गया आपका, उत्तर हो गया 5 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा दोस्तों उत्तर बी। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बी उत्तर बनेगा। ओके ये आपने दो तरीके बता दिए हैं मैंने, एक तो फॉर्मूला है क्यू बराबर एनी, क्लियर। क्यू बराबर एनी क्या कहता है, कुल आवेश बराबर, कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अरे कुल कीमत बराबर, आप लगाते हो ना कुल कीमत बराबर, क्लियर, कुल कीमत बराबर टॉफियों की संख्या इंटू एक टॉफी का रेट, है ना। आपको चाहिए 100 टॉफियों की कीमत कितनी होगी, समझ गए। तो आप कैसे निकालते हैं, टॉफियों की संख्या 100 और टॉफियों की एक टॉफी की कीमत, उसे निकाल देते हैं आप। चलिए क्लियर है ना, ओके चलिए आगे करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ज के लिए सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ज के लिए सही नहीं है, जवाब दीजिए भाई। चलिए भाई, आवेश के लिए पहला ऑप्शन है पृष्ठीय होता है, दूसरा ऑप्शन है क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज्ड होता है, तीसरा ऑप्शन आवेश सदिश राशि है, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी, एंड फोर्थ वन इज खोखले, ये खोखले है, खोखले गोलीय चालक के केंद्र पर आवेश शून्य होता है, जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी जवाब दो भाई। ओके आपसे पूछा गया है चार्ज के लिए कौन सा सही है, सबसे पहली बात दोस्तों सुपरफिशियल है, सही है, इसीलिए तो बोलते हैं दोस्तों कि अगर ऊपर से बिजली पड़ रही हो, है ना, ऊपर से लाइटनिंग हो रही हो, आकाशीय बिजली पड़ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों खुद को कार के अंदर छुपा लीजिए, खुद को कार के अंदर क्या कर लीजिए, छिपा लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर चार्ज आया तो चार्ज की नेचर पृष्ठीय होती है, वो चार्ज पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, वो चार्ज पूरा का पूरा गाड़ी के सरफेस पर रह जाएगा, अंदर आप सेफ बच जाओगे, सही है।
क्लियर पढ़ाया था। दूसरा आवेश क्वांटाइज्ड है, बंडल के रूप में बहता है, q बराबर n into e, ये यहीं से तो निकला था, आवेश छोटे-छोटे बंडल्स के रूप में बहता है और एक बंडल पर जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तीसरी बात भैया गलत है, आवेश अदिश राशि है, आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर। चौथी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि खोखला गोलीय चालक है, आवेश तो पृष्ठीय होता है, आवेश तो बेटा पृष्ठीय होता है, तो इसके केंद्र पर तो चार्ज क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो सी ऑप्शन गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन क्या है, सही है। ओके चलिए, बात समझ में आ गई। चलिए यहां तक क्लियर हुआ भाई, आगे चलते हैं, समझ में आ गया कौन सा चार्ज के लिए सही नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी चालक तार से 5 मिनट में 1500 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान बताइए। आपसे पूछा गया है 1500 कूलाम चार्ज फ्लोज इन 5 मिनट थ्रू अ वायर, कैलकुलेट द करंट फ्लो, प्रवाहित धारा का मान बताइए। चलिए विकास कुमार कोरी, वो ब्लॉक हो गए भाई साहब, है ना, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। हा भाई अगला क्वेश्चन करो बेटा जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, किसी चालक तार से 5 मिनट में 1500 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आप बताएंगे कि उस पर करंट फ्लो कितना है, ठीक है। देखिए तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे दोस्तों, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टाइम, है ना, मतलब धारा बराबर आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय, क्लियर। आवेश कितना है आपके पास, आवेश है दोस्तों आपके पास 1500, क्लियर। लोग क्या करते हैं समय में 5 का भाग लगाते हैं, उत्तर 300 ले आते हैं, लेकिन गलत है, क्यों, क्योंकि दोस्तों जब चार्ज की यूनिट कूलाम ले रहे हो तो दोस्तों कूलाम एसआई यूनिट है, एसआई एमकेएस से निकलती है, तो आपको दोस्तों यहां पर भी एमकेएस में सेकंड लेना पड़ेगा, और 5 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 300 होते हैं, 300 का भाग लगाएंगे, 300 × 5 = 1500, उत्तर क्या आएगा बच्चों, 5 एम्पियर। अच्छे अच्छे धुरंधर गलत हो गए, अच्छे अच्छे धुरंधर के क्वेश्चन गलत हुए नहीं हुए बताइए, अच्छे अच्छे धुरंधर के क्वेश्चन गलत हो गए, सही हुआ होता है भाई होता है, तो उत्तर क्या बनेगा, बी बनेगा, समझ गए बात को। तो क्वेश्चन को करने से पहले देख लिया करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, टाइम की यूनिट हर जगह सेकंड लेते हैं आप, ओके सेकंड किया जाता है, ओके 5 उत्तर आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, दोस्तों जो वोल्टेज डिफरेंस है वो पॉइंट, वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो भैया 0.1 क्या है, वोल्ट है। चार्ज जो है दोस्तों वो कितना है, 1 × 10⁻⁴ कूलाम है। आपसे पूछ रहा है इन बिंदुओं के मध्य आवेश को गति करवाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा, क्लियर। आपसे पूछा गया है दो बिंदुओं के मध्य गति करवाने के लिए, दो पॉइंट्स हैं आपके पास ए और बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट का है, चार्ज जो आपको ट्रांसफर कराना है वो ये करवाना है इतने कूलाम का, उसको यहां से लेके आपको यहां तक पहुंचाना है, किया गया कार्य बताइए। चलिए जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, चलिए बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं केवल उन्हीं लड़कों को ब्लॉक करता हूं जो फालतू की बातें करते हैं, अगर कोई फालतू की बात करेगा तो ब्लॉक होगा, है ना, और कोई अगर क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई ऐसा कर रहा है, मैं बता रहा हूं कि अच्छे बच्चे ब्लॉक किए जा सकते हैं, क्योंकि मैं मेरी क्लास में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, ओके मैं बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ें और उनको क्वेश्चंस के जवाब मिले, और जो पढ़ने आ रहे हैं वो चुपचाप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं तो वो चुपचाप सुन भी रहे हैं और अपने क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं दोस्तों, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, विभव बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटा आवेश, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, विभव इंटू आवेश। विभव कितना था 0.1, चार्ज कितना है 1 × 10⁻⁴, बताइए 0.1 को 10⁻⁰ लिख दूं, इंटू 1 × 10⁻⁴, बताइए -4 -1 जुड़ गए, उत्तर क्या आएगा 10⁻⁵ जूल,
उत्तर आपका क्या आने वाला है दोस्तों, बी आने वाला है 10^-5 जूल। बात क्लियर हो गई, 10^-5 जूल, 10^-5 जूल। बोलो बात समझ में आ गई, चलिए है ना। मीनू शर्मा बिल्कुल रीट में हेल्पफुल है, रीट में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे मोटे, पिछली बार भी पूछे गए थे, क्लियर। अगला करिए, और ये जो आपस में बच्चे बोल रहे हैं इसको ब्लॉक करो उसको ब्लॉक करो, जिसके मुझे कमेंट लगेंगे डिस्टर्बिंग मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा आपको रिपीट करने की, आपको आपस में इस तरह करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो की तरह लड़ोगे, वीडियो की तरह नहीं कुत्तों की तरह तुम लोग लड़ते हो डेली, 2-3 दिन से यही माहौल चल रहा है, जो माहौल खराब करेगा वो ब्लॉक होगा। दो बिंदुओं के मध्य 5 माइक्रोकुलम आवेश, दो पॉइंट से आपके पास उनके बीच में आप कितना आवेश घुमा रहे हो, 5 माइक्रोकुलम। उस आवेश को ले जाने के लिए कितने जूल काम करना पड़ा, 10 जूल काम करना पड़ा। आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या होगा बच्चों, विभवांतर क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं जो बच्चे आपस में लग रहे हैं इसको ब्लॉक करो उसको ब्लॉक करो, वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे, सबको मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर रोओगे, फिर कमेंट मेरे को पर्सनल मैसेज करोगे सर प्लीज अनब्लॉक करवा दीजिए ऐसा। अरे बेटा पढ़ने आए हो यार, या आपस में बहसबाजी कर रहे हैं, तुम्हें लेना देना क्या एक दूसरे से है। चलिए बताइए, तो दोस्तों विभव बराबर क्या होता है बच्चों, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। कार्य आपका कितना किया आपने, 10 जूल, आवेश कितना है दोस्तों 5, लेकिन माइक्रो के लिए क्या लगाएंगे, 10^-6। बताइए 10^6 ऊपर जाएगा, 10^6 और आगे 5 × 10, तो उत्तर कितना आया, उत्तर आया दोस्तों 10^2 × 10^6 वोल्ट। इसको हम लोग 2 मेगा वोल्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि 10^6 को क्या बोलते हैं बच्चों, मेगा बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन में 2 मेगा वोल्ट भी आ सकता था, बी आपका करेक्ट आंसर है। बोलो बात क्लियर हो गई, चलिए चलिए दोस्तों यहां तक क्लियर हुई बात, चलिए आगे बात करते हैं भाई है ना। तो क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आपसे पूछा गया दोस्तों m1 l2 t-3 a-2 किसका विमीय सूत्र है, आपसे पूछा गया है m1 l2 t-3 a-2, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, जवाब दीजिए। चलिए चलिए भाई है ना, तो बात करते हैं दोस्तों वोल्टेज विभव चालकता प्रतिरोधकता, देखिए है ना, सबसे पहले विभव से स्टार्ट करते हैं, ये हमें चेक ही करना पड़ेगा। विभव बराबर क्या होता है बच्चों, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। कार्य क्या होता है, कार्य होता है दोस्तों m1 l2 t-2, आवेश होता है धारा गुणा समय, तो धारा को a1 लिख लेते हैं, टाइम को t1 लिख लेते हैं, तो क्या हो गया m1 l2 t-3 a-1। अभी a माइनस क्या है दोस्तों, 2। प्रतिरोध बराबर क्या होता है बताइए, प्रतिरोध बराबर होता है दोस्तों विभव अपॉन धारा, विभव अपॉन धारा, विभव अपॉन धारा। अब बताओ a माइनस टू करना है, बाकी सब कुछ कॉमन है। a-2 का मतलब है दोस्तों एक a नीचे आएगा, मतलब विभव में धारा का भाग लगाइए, विभव में धारा का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, प्रतिरोध। विभव का आपको आ गया m1 l2 t-3 a-1, नीचे a1 और आ गया, a1 जाकर ऊपर हो जाएगा m1 l2 t-3 a-2। तो ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये प्रतिरोध का डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसका डायमेंशन है, ये प्रतिरोध की डायमेंशन है, ये रेजिस्टेंस की दोस्तों क्या है, डायमेंशन है। तो बात आपको समझ में आ गई क्या, क्लियर आई थिंक सो, समझ में आ गई होगी, चलिए क्लियर हुआ, ओके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप करेंगे ये रहा दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस को करिए प्यार से। ताहिर अली बिल्कुल अच्छा, आप वहां से भी रीड करते हैं, बहुत बढ़िया, चलिए इसकी बात कीजिए। गलत मेल छांटना है, नेचुरल मैग्नेट, जियो मैग्नेट एवं मैग्नेटाइट, आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट, कृत्रिम स्थायी चुंबक एल्निको और नरम लोहा, कृत्रिम अस्थायी चुंबक आयरन कोबाल्ट निकल, और विद्युत चुंबक अस्थायी कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट। जवाब दीजिए कौन सा करेक्ट मैच है, ओके रोशन कुमार KWH का फॉर्मूला डिराइव कर दीजिए, KWH की वैल्यू चाहिए आपको 36 × 10^5 है ना, 3.6 × 10^6 वाट, हाँ हाँ
सिक्स जूल, जूल जूल ओके। तो KWH किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर बहुत सिंपली डिराइव भी हो जाएगा और मैं जाने कितनी बार कर चुका है यार। तो एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास ही खोल के देख लो मेरे भाई, तुमको क्वेश्चन मिला और तुम लोग सीधा यहाँ आ जाते हो मेरे से पूछने की बजाय। करंट इलेक्ट्रिसिटी खोलो, मैंने पढ़ा रखा है दो दो बार, तो वहां पर KWH अच्छे से समझाया मैंने ओके। चलिए तो दोस्तों देखिए, प्राकृतिक चुंबक, बिल्कुल प्राकृतिक चुंबक वो जो नेचर में नेचुरली पाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, साथ में लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट, ये भी एक प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम स्थायी चुंबक दोस्तों एलिनिको के या नर्म लोहा, अच्छा गलत पूछ रहा है ना, चलिए देखते हैं है ना, इस पे ऐसे लगाइए क्यों, क्योंकि दोस्तों नर्म लोहे का जो बनता है वो अस्थायी चुंबक बनता है, और एलिनिको के भी कैसे चुंबक बनते हैं, अस्थायी चुंबक बनते हैं, क्लियर। एलिनिको कृत्रिम स्थायी चुंबक, अब स्थायी चुंबक में तो एलिनिको काम में आता है, मैं बताता हूं आपको। कृत्रिम और कृत्रिम में दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं स्थायी, तो स्थायी किसके बनते हैं, स्थायी बनते हैं एलिनिको क्लियर, और साथ में इस्पात स्टील, इसके बनते हैं स्थायी। और जो अस्थायी होते हैं वो बनते हैं दोस्तों या तो आयरन के, कोबाल्ट के या निकल के, या फिर वो बनता है नर्म लोहे का। अभी ऑप्शन ढूंढ लीजिए इसके, प्राकृतिक चुंबक हो गया, आर्टिफिशियल परमानेंट, तो दोस्तों नर्म लोहा जो है वो परमानेंट नहीं होता ठीक है, नर्म लोहा वाला जो होता है वो अस्थायी होता है। फिर है आर्टिफिशियल टेम्पररी मैग्नेट, कृत्रिम अस्थायी चुंबक, बिल्कुल आयरन कोबाल्ट निकल के बनते हैं, करेक्ट है। चौथा विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक दोस्तों ये जो नर्म लोहा है ना इसका विद्युत चुंबक ही बनता है, जो विद्युत क्रेन वगैरह में काम में आता है, तो बिल्कुल ये दोस्तों अस्थायी कृत्रिम चुंबक है। तो गलत कौन सा हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि नर्म लोहा आपका अस्थायी के अंदर आता है, स्थायी के अंदर नहीं आता है ठीक है। बोलो बात क्लियर हो गई, चलिए है ना, क्लियर हुआ भाई यहां तक, आगे चलते हैं, आगे अपना ये रहा। चलिए आपसे पूछा गया दोस्तों क्यों आवेश को वी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र है मैग्नेटिक फील्ड वी, इसके अंदर दोस्तों एक क्यू आवेश, कौन सा आवेश है क्यू, इसको घुसाया आपने कितने वेग से, वी वेग से। अब आपसे पूछ रहा है कि इसको कितने एंगल पर हम लोग, इसको कितने एंगल पर प्रवेश करवाएं कि मैक्सिमम चुंबकीय बल लगे, मैक्सिमम चुंबकीय बल, एंगल पर प्रवेश कराओगे, अलग अलग एंगल पर प्रवेश करवाओगे तो चुंबकीय बल अलग अलग लगेगा। बेटा इसके लिए फॉर्मूला पढ़ाया था, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू आवेश, बी मैग्नेटिक फील्ड, वी वेग, और साइन थीटा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब दोस्तों थीटा कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, एक। तो अगर आप उसे लंबवत प्रवेश करवाएंगे, अगर आप उसे 90 डिग्री पर प्रवेश करवाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा फोर्स उस पर अप्लाई होने वाला है, और सबसे ज्यादा चुंबकीय फोर्स के लिए जो जो फॉर्मूला है ये मैंने क्लासरूम में आपको करवाया है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। चलिए क्लियर हुआ यहां तक, चलिए आगे चलते हैं है ना, क्लियर हुआ भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी घर में 50-50 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे, 200 वाट की ट्यूबलाइट प्रतिदिन 5 घंटे चलती है, तो ₹5 प्रति यूनिट के हिसाब से पूरे माह का आपको बिजली खर्च बताना है ठीक है। बिल्कुल आज मैंने एकदम ब्लॉक करो अभियान चालू कर रखा है, आज मैं 3-4 बच्चों को ब्लॉक कर चुका हूं जो फालतू के कमेंट क्लास में करते हैं। बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट जिनको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात का ओके। मुन्ना कुमार साहा, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए तो भैया ध्यान दो इस पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले यूनिट निकालिए, तो यूनिट के लिए आपको टोटल वाट निकालने पड़ेंगे। 50 वाट के 10 बल्ब, देखिए 50 वाट के 10 बल्ब कितने घंटे चलते हैं, 4 घंटे, ये हिसाब हुआ। 200 वाट की एक ट्यूबलाइट प्रतिदिन कितने घंटे चलती है, 5 घंटे, ठीक है। टोटल यूनिट पर डे निकालिए, सबसे पहले 1000 का भाग लगाइए, बताओ ये कितना हो गया दोस्तों, 1000 हो गया और ये हो गया 1000 ओके भाई, 40 को 50, ये 2000 हो गया ओके, 2000 प्लस 1000 नीचे लगाया भाग 1000 का, क्लियर। तो यूनिट कितनी आ गई बताओ, यूनिट आ गई दोस्तों 3000/1000, यानी कि दोस्तों तीन यूनिट पर डे। बताओ मंथ में यूनिट कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री का मंथ मेजर करेंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 यूनिट हो गई, और एक यूनिट का खर्चा ₹5 है, तो 90 यूनिट का खर्चा कितना आने वाला है, ₹450 आने वाला है। तो ये चीज भी आप अच्छे से जानते हैं ओके, ये चीज भी आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और किस तरह से आप यूनिट्स निकाल पाएंगे ठीक है दोस्तों। चलिए
है ना। क्लियर बच्चों? तो समझ में आया यहाँ तक? शुभम यादव सर आप बड़े डेंजरस हो। बेटा मैं डेंजरस नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ने वाले बच्चे के लिए हमेशा सपोर्टिव हूँ। आधी रात पे 12 बजे भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो अगर लाइव हुआ और अगर मतलब नींद खुली हुई होगी तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और इवन कई बच्चे कहते हैं सर मैंने इस बुक में ये भी पढ़ा था, तो गूगल पे सर्च करके या किसी बुक की फोटो लेके उन्हें भेजता भी हूँ कि ये ले बेटा प्रूफ। तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ बहसबाजी करते हैं, आपस में कमेंट करके डिस्टर्ब करते हैं, मुझे इरिटेशन फील होती है। मेरा ऐसा बच्चा मेरी क्लास में क्यों है? ऐसा बच्चा वो एंटरटेनमेंट की क्लासेस में जाए या ऐसी जगह जाए जहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, जहाँ पे मास्टर भी ऐसे, टीचर भी ऐसे, बच्चा भी ऐसा ही। ओके, क्लियर? तो मुझे ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? चलिए, है ना, अब आगे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यदि किसी परिपथ में विभवांतर का मान 6 वोल्ट हो, है ना, इस परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक क्या की जाए, प्रवाहित की जाए, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। इफ इन अ सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट एंड 10 एम्पियर करंट इज फ्लोन इन द सर्किट फॉर 2 मिनट्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हीट? जवाब दीजिए। क्लियर? बिल्कुल जवाब दीजिए। दिनेश चौधरी, स्टेनोग्राफर का कंप्लीट पेड कोर्स हमारे साइंस के लिए स्पेशली आपको मिलेगा, जिसमें 3 टॉपिक्स का कंटेंट बाकी है, बाकी सब कुछ डल चुका है। 400 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैंने आज डाल दी, कल डाल दी थी, और कंटेंट पूरा डल चुका है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के हिंदी इंग्लिश मीडियम पीडीएफ डल चुकी है। 3 टॉपिक्स के अभी वीडियोस बाकी हैं और वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी डाल रहे हैं। वो 3 टॉपिक आपके बायोमास, वो जनरली एक ही टॉपिक के अंदर 2 टॉपिक है, एक तो बायोमास और एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन और जैव भार। बायोमास मैंने ये 2 क्लास यूट्यूब पर भी पढ़ा दी हैं। ओके, और एक इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर कोई एडवांस में पढ़ना चाहता है तो पटवार की प्लेलिस्ट में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, वो पढ़ सकते हैं। ओके, प्रेम कुमार कह रहे हैं सर हम बिहार से हैं, थैंक यू। संतोष राज, एनटीपीसी में साइंस बहुत कम आ रहा है, ग्रुप डी में आएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स है वहां पर। ओके, चलिए तो दोस्तों इसकी बात करते हैं। एक फॉर्मूला आता है दोस्तों इसका, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये दोस्तों किसका नियम है? ये दोस्तों जूल का नियम है। अच्छा एक बात बताइए, अब आपके पास रेजिस्टेंस तो है ही नहीं सर, तो आप क्या कीजिए, एक बात बताइए, 2 काम कर लेते हैं, है ना। एच बराबर ऐसे लिख लें इसको, आई इंटू आई आर इंटू टी, ऐसे लिख लें इसको, बताओ आई स्क्वायर आर हो गया ऐसे, तो एच बराबर आई इंटू, बताओ आई आर की जगह क्या लिख सकते हैं, वी बराबर आई आर होता है, इंटू टी, एक तो ऐसे कर लीजिए वी आई टी। तो एच बराबर आई कितना है दोस्तों आपके पास 10 एम्पियर, वी कितना है 6 वोल्ट, टी दोस्तों 120 पढ़ोगे, क्योंकि 2 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों 120 होता है, है ना। ये सबसे काम रखने की चीज है। ऐसे नहीं करो तो आप एक काम कर लीजिए, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी है, क्लियर। अब आपके पास आई है, आपके पास आर नहीं है, टी है, तो आर पहले कहां से निकाल लीजिए, आर बराबर वी अपॉन आई से निकाल लीजिए, क्लियर। वी अपॉन आई से निकालेंगे तो वी आपके पास कितना है दोस्तों 6 वोल्ट है, क्लियर, 6 वोल्ट है, इसको ऐसे किया, क्लियर, तो कितना आ गया 0.6, है ना। 0.6 को फॉर्मूले में रख दीजिए, एच बराबर आई स्क्वायर, 0.6 की जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा बताओ 0.36, नहीं उल्टा, आई तो अपने पास है ना, क्लियर, सॉरी आर आपके पास 0.6 आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या रखेंगे दोस्तों, एच बराबर आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100, ये आएगा दोस्तों 0.6 और ये आएगा दोस्तों 120, ठीक है। तो ये हो गया 60, बताओ 16 की 6 से 1 छोड़ के 0 लग गया, 60 इंटू 120 बताओ कितना आ गया 7200 जूल, क्लियर। इस तरह कर सकते हैं, या फिर इसको कर लीजिए दोस्तों बर्चिक की 72, एच बराबर 72, 20 लगा दीजिए, बताओ 7200 जूल को मैं 7.2 किलो जूल लिख दूं, कोई बुराई है क्या? तो उत्तर क्या आने वाला है दोस्तों, सी आने वाला है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। शुभम यादव, नहीं, एनटीपीसी में कहीं पर भी साइंस 30 नहीं है, याद रखो, सिलेबस में जीके प्लस साइंस का टोटल एक जगह है, याद रखो, क्वेश्चन के सिलेबस को भी पढ़ना सीखो बच्चों। सिलेबस में अगर दिया जाता है कि टोटल साइंस और जीके मिलाकर इतने क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें कंफर्म नहीं कर सकते आपकी जीके ज्यादा आएगी कि साइंस ज्यादा आएगी। साइंस एक भी ना दे तो भी हो सकता है, जीके एक भी ना दे, पूरी साइंस दे दे तो भी आप आवाज नहीं उठा सकते। तो एनटीपीसी में अलग से साइंस का कॉर्नर नहीं था, एनटीपीसी में साइंस जीके के क्वेश्चन में ही आने वाली है, है ना, इस वजह से क्वेश्चंस में चेंज है, इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस में गड़बड़ी है। अदरवाइज अभी भी जब भी किसी एग्जाम में दिया जाता है, जब भी किसी एग्जाम में दिया जाता है कि इतने क्वेश्चन साइंस के आने ही हैं,
तो इतने ही आते हैं, दिए जाते हैं कि 10 क्वेश्चन साइंस के आएंगे तो 10 आएंगे, फिर नहीं रोक सकते आप। लेकिन ऐसे दिया जाता है कि 50 क्वेश्चन में साइंस, जीके और करंट तीनों आएगी, तो वहां पे हो सकता है करंट के 20 दे दे, जीके के 20 दे दे, साइंस के 10 करे, हो सकता है साइंस के 40 दे दे, करंट और जीके के 5-5 क्वेश्चन डाले, तो वो एग्जामिनर के ऊपर, वहां कुछ भी हो सकता है। ओके चलिए, अनिल कुमार थैंक यू, इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ओके तो ये रही बात, किसी विद्युत उपकरण को जोड़ा जाता है कहां पर। अब देखिए दोस्तों, जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो ये प्लग है, प्लग में ऊपर ही ऊपर जो लगा होता है वो होता है दोस्तों अर्थिंग, उसे बोला जाता है भूसंपर्कित तार, भूसंपर्कित, है ना, क्लियर। प्लग की बात है, प्लग में दोस्तों जो राइट साइड होता है ये, है ना, ये होता है लेफ्ट। ओके तो ये राइट साइड, प्लग को आप ऐसे लगा रहे हैं, मैं तो उल्टा बना रहा हूं, ठीक है। तो जो राइट साइड होता है दोस्तों वो लाइव वायर होता है, उसको फेज बोलते हैं, क्लियर। और जो लेफ्ट साइड होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है। उपकरण जब भी हम लगाते हैं उपकरण, तो किस किस के बीच में लगाते हैं हम लोग, लाइव और न्यूट्रल के बीच में लगाते हैं, तो बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल, हम लोग उपकरण को फेज और न्यूट्रल के बीच में लगाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। अंजला लैला, आपने बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ लिया, बेटा सर मैंने कोर्स समाप्ति की डेट, तो कोर्स समाप्ति की डेट पता आपको होगी, वो कैसे होगी कि आपने जिस दिन कोर्स खरीदा था और आपने कौन सा प्लान खरीदा था वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप जो हमारा जो इंक्वायरी नंबर है, तो उस इंक्वायरी नंबर पर आप क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, स्विच को किसके साथ जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रिक स्विच इज कनेक्टेड विद, है ना, इलेक्ट्रिक स्विच, बिजली का स्विच किसके साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, आप जवाब देंगे मुझे। थ्योरेटिकल पढ़ा रखा है मेरे भाई, जवाब दीजिए। प्रदीप कुमार, वहां पर ऑप्टिक्स का नहीं होगा यार, ऑप्टिक्स AWTPO के सिलेबस में नहीं है, तो पहले मैं AWTPO करवाऊंगा, और AWTPO के बाद अगर टाइम मिला या फिर मुझे बोला गया आपकी टीम की तरफ से या चैनल की तरफ से कि भाई ऑप्टिक्स भी करवाइए, तो मैं सोचूंगा उसके बारे में। ओके चलिए, है ना, लाइव एंड न्यूट्रल वायर कलर, तो देखिए स्विच को किसके साथ जोड़ा जाता है, बेटा स्विच को लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है, ताकि लाइव के अंदर एनर्जी जाए, और लाइव के अंदर जब एनर्जी जाएगी, लाइव के अंदर जब आपके वो एनर्जी सप्लाई होगी, तो दोस्तों लाइव से वो इंस्ट्रूमेंट में जाएगी, इंस्ट्रूमेंट से क्रॉस करके वो न्यूट्रल में जाएगी, और तब जाके सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बोलो क्लियर। लाइव और न्यूट्रल का कलर, कितनी बार बताऊं मैं, लाइव का कलर होता है रेड, न्यूट्रल का कलर होता है ब्लैक, और जो अर्थिंग होती है उसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है। चलिए ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्लियर। 10 कूलाम आवेश पर 5 न्यूटन पर कूलाम तीव्रता वाला विद्युत बल आप लगा दें, तो 10 कूलाम आवेश पर 5 न्यूटन पर कूलाम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा देंगे, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आपका आने वाला है, इसका आप जवाब दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए कन्हैया वर्मा, K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर कोई कंप्लीट मॉलिक्यूल है तो उसका पूरा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब आप किसके अंदर मुझसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें पोटेशियम का कितना होगा, जैसे K2Cr2O7 है तो इसके अंदर आप पोटेशियम का पूछ सकते हैं, Cr2O7 का पूछ सकते हैं, क्योंकि Cr2O7 अपने आप में एक आयन है। तो पोटेशियम, देखो जो ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट का मूलक के तौर पर हम लोग याद करते हैं कितना, -2, है ना, K2Cr2O7 का -2 होता है। अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, पोटेशियम 2 है और हमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो हम लिखेंगे 2x, 2x प्लस -2 बराबर में, पूरे अणु का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 2x बराबर कितना आ गया, +2, x बराबर +1, तो पोटेशियम की यहां पर क्या आ गई, +1, टोटल Cr2O7 इसका -2, इसका +1 और कितने हो गए, 2, तो ये हो गया +2 और -2, तो पूरा क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, ये पढ़ाया मैंने अच्छे से। ओके चलिए, तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अभी क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है E बराबर F/Q, तो E आपको कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन पर कूलाम, F आपसे पूछा गया है, क्यों आपके पास कितना है दोस्तों, 10 है, तो F बराबर आपका आने वाला है 50 न्यूटन। क्या उत्तर आएगा दोस्तों, 50 न्यूटन। ये फॉर्मूला पढ़ाया था, E बराबर F/Q, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Force/Coulomb, विद्युत बल अपॉन आवेश की मात्रा। चलिए शुभम यादव, मेरी क्लास का टाइम शाम को 6:30 होता है, डेली शाम को 6:30 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दीपक यादव, न्यूमेरिकली तो करवा रहा हूं, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं भाई, ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो डला हुआ है, देखो
ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो डला हुआ है। क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 800 घेरे, द्वितीयक कुंडली में 8 घेरे हैं, 220 वोल्ट के प्राइमरी मेन से जोड़ दिया गया है, तो आपसे पूछा गया दोस्तों व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने पढ़ाया था और आई थिंक सो ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाया है आपने अच्छे से। चलिए, ताहिर अली सर, ग्रुप डी में साइंस स्टैंडर्ड लेवल का इसका क्या मतलब है? वो मतलब ये है कि ग्रुप डी में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस के क्वेश्चंस का एवरेज भी ज्यादा है, क्योंकि ऐसा कहते हैं शायद 25 क्वेश्चन की साइंस ग्रुप डी में फिक्स है। मुझे इतना ध्यान नहीं कि इतनी सारी एग्जाम्स में इतना सारा सिलेबस और उसमें सिलेबस में नंबर ऑफ क्वेश्चन बार बार अलग अलग, तो टीचर के दिमाग में गड़बड़, लेकिन जो बता टारगेट कर रहा है उसको पता होता है एग्जैक्ट। ओके, चलिए तो इसकी बात करें, तो इसकी बात हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एनएस अपॉन एनपी बराबर ईएस अपॉन ईपी, ट्रांसफार्मर फॉर्मूला पढ़ा है। एनएस क्या होता है दोस्तों, द्वितीयक कुंडली में घेरों की संख्या कितनी है 8, प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या कितनी है दोस्तों 800। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि आपको द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल चाहिए आउटपुट, प्राथमिक कुंडली में कितना दिया दोस्तों आपने 200, बताओ ये हुआ कितना 100 और ये हुआ 2, बताओ ईएस की वैल्यू कितनी आ गई 2 वोल्ट। बोलो, पढ़ाया आपने ये ट्रांसफार्मर फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, याद रखिए। तो उत्तर क्या आने वाला है दोस्तों, 2 वोल्ट आपका आंसर आने वाला है। क्लियर, बात समझ में आ गई? दीपक यादव, ओनली न्यूमेरिकल की कोई बेसिक क्लास नहीं होती है, न्यूमेरिकल हमेशा थ्योरी के साथ ही होते हैं, थ्योरी के साथ ही फॉर्मूले और एक एक दो दो न्यूमेरिकल मैंने हर जगह करवाए हैं, अब हम केवल क्वेश्चन सेशन ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ भाई यहां तक? चलिए, तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, आज की क्लास में हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस किए, 7-8 बच्चों को ब्लॉक किया और वो ब्लॉक किए हुए बच्चे अलग अलग आईडी बनाकर फिर फालतू कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे एक दिन मेरी क्लास से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सब्सक्राइबर कम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या करते हैं बाहर जाके मेरी बुराई करें, लेकिन मैं पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान इनकी वजह से नहीं होने दूंगा। अगर कोई क्लास में फालतू बात करेगा तो वो फालतू बात में डूबेगा। ताहिर अली कह रहे हैं, कोर्स में प्राकृतिक संसाधन चैप्टर कहाँ है? बेटा प्राकृतिक संसाधन अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, एनर्जी रिसोर्सेज ऊर्जा संसाधन मैं कराने वाला हूँ और वो मैं यूट्यूब पर भी करवाऊंगा और ऐप पर भी करवाऊंगा, जल्दी ही वो वीडियोस आपके ऐप के कोर्सेज में डल जाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, क्लियर हो गई बात यहां तक? ओके, तो आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, क्लास को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िएगा। आगे बात होगी कल, और कल हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बायोलॉजी के बारे में। कल बायोलॉजी का मिक्सअप क्वेश्चन सेशन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ज्यादा दूंगा इस बार, यानी 40-50 क्वेश्चंस कल हम बायोलॉजी में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय।